दोस्तों डाटा की इम्पोर्टेंस के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अगर हमारा कंप्यूटर कभी फॉर्मेट हो जाए या हमारी विंडो उड़ जाए तो हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इसलिए जो है हमें समय समय पर अपने टैली के डाटा का बैकअप लेना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दो मेथड ऐसे बताता हूँ जिससे जो है एक तो कंप्यूटर के अंदर आप डाटा बैकअप ले सकते हो, दूसरा आप पेन ड्राइव के अंदर डाटा बैकअप ले सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर आपने कैसे डाटा बैकअप लेना है। जैसे ही आप टैली प्राइम ओपन करते हो तो ऊपर की साइड आपको एक डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है या फिर अल्ट वाई कर देना है। उसके बाद आपके सामने बैकअप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है या तो इस पर आगे एंटर प्रेस कर देना है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरी थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलती है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। इसका मतलब ये है कि आप अपना डाटा कहाँ पे सेव रखना चाहते हो। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्पेसिफिक पाथ है और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक पाथ की। तो स्पेसिफिक पाथ का मतलब ये होता है कि आप किसी खास जगह पे अपने डाटा को सेव रखना चाहते हो। इस पे आगे आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिक फाइल पाथ। इसका मतलब ये है कि आप कहाँ पे अपना डाटा को सेव रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैं जो है अपना डाटा सेव रखना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये आपको लाइन देखने को मिल रही है क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा देगा कि ये कहाँ पे आपका फोल्डर है। तो इसको सिंपली आपने राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप टैली अपनी ओपन करोगे तो कंट्रोल वी से यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने ये वाली लोकेशन आपकी देखने को मिल जाएगी जो अभी अभी हमने कॉपी करी थी। तो सिंपली आपने आगे यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही जितनी भी आपने कंपनी अपनी टैली के अंदर बनाई हुई है वो आपको सारी की सारी यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, जिस जिस कंपनी का भी आपने बैकअप लेना है उस पे आके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो राइट साइड से आपकी कंपनी शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता जा रहा हूँ तो राइट साइड से सारी कंपनियाँ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होकर आ चुकी हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट पे आके एंटर प्रेस कर देना है। तो मैंने सारी कंपनियों का जो है अपनी बैकअप ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड ऑफ लिस्ट पे आके एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने सिंपली यस कर देना है। उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलती है, तो अब हम अपने फोल्डर में भी जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको बैकअप जो है सारा का सारा देखने को मिल रहा है। इसको मैं दोबारा से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले ये फोल्डर जो है खाली था बिल्कुल, अभी यहाँ पे जो है टैली का सारा बैकअप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस डाटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और दूसरे ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं जो स्पेसिफिक के नीचे की साइड हमें देखने को मिल रहा था। गेटवे ऑफ टैली पे आके मैं अल्ट वाई प्रेस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करता हूँ फिर से। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। स्पेसिफिक पाथ के बारे में आपको मैंने बता दिया, बात करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के बारे में। तो इस पे आके आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी आपकी ड्राइव शो होने लग जाएंगी। अगर आपको ड्राइव के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से अपने माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सी डी ई और जी जो है मेरी ड्राइव है। अगर इनमें से किसी के अंदर भी मैं अपना डाटा बैकअप लेना चाहता हूँ तो उसको कैसे लेना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सी डी ई और जी जो है मेरी यहाँ पे भी ड्राइव शो हो रही है जो कि यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी दिखाई है। इनमें से तीन ड्राइव जो है वो कंप्यूटर की है और ये जो पेन ड्राइव है ये मैंने अलग से लगाई हुई है इसमें। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसी के अंदर अपना डाटा सेव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर न्यू फोल्डर है जो कि हम अभी टैली के अंदर भी चेक करेंगे। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं जी ड्राइव पे आके एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर भी यहाँ पे एक न्यू फोल्डर हमारा देखने को मिल रहा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था पेन ड्राइव ओपन करके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जी ड्राइव जो मैंने सेलेक्ट करी हुई है सिंपली उस पर एंटर प्रेस करता हूँ। अगर मुझे न्यू फोल्डर के अंदर डाटा सेव करना है तो मैं न्यू फोल्डर पर आके एंटर करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ अभी सिर्फ जी ड्राइव के अंदर अपना डाटा सेव करना, तो मैं सिंपली जी ड्राइव पर जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी सारी की सारी कंपनियाँ जो है पहले की तरह यहाँ पे आ चुकी हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद सारी कंपनियाँ सेलेक्ट करने के बाद एंड लिस्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। अब हम जाके एक बार पेन ड्राइव के अंदर भी अपना डाटा चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नीचे की साइड जो है मेरा टैली का बैकअप आ चुका है, जबकि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। तो ये तो था हमारा पहला मेथड बैकअप लेने का। बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पेन ड्राइव से इस डाटा को फिलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है न्यू फोल्डर के अलावा हमारा यहाँ कोई भी डाटा बैकअप नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी टैली ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले टैली ओपन करने के बाद आपने फिर से अल्ट वाई प्रेस करना है या डाटा पे आके क्लिक करना है। उसके बाद आपने डाटा पाथ पे आना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको आपकी डाटा की लोकेशन दिखाएगी टैली की, आपका डाटा कहाँ पे सेव है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ई के अंदर जो है मेरा डाटा के अंदर मेरा डाटा जो है वो सेव पड़ा है।
जैसे ही आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी कंपनियां भी दिखा देगा। यहाँ पे आपकी कंपनियों का नाम नहीं आएगा बट उनका नंबर आएगा, जैसे 10,000 है, 1 है 2 है तो 3 है, तो इस तरह से आपका जो है डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको मिनिमाइज करना है और उस ड्राइव को ओपन कर लेना है जहाँ पे आपका डाटा पड़ा है। तो ई ड्राइव के अंदर मेरा डाटा पड़ा है, यहाँ पे मैं इस ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा डाटा यहाँ पे सेव पड़ा है। इसको आपने क्या करना है, माउस के राइट क्लिक से कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, बैक आ जाना है। अभी हम इस डाटा को जो है अपने पेन ड्राइव के अंदर सेव करने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव को मैं ओपन करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेरा डाटा जो है टैली का, वो यहाँ पे कॉपी होके आ चुका है। एक और अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जब भी आप डेली डाटा बैकअप लेते हो तो आपने क्या करना है, अभी जैसे यहाँ पे आज 11 तारीख है तो यहाँ पे मैं इसका रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11/8/2023। डेट डालने के बाद मैं सिंपली इस पे एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट वाइज जो है आपका डाटा शो होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक बार और इस डाटा को जो है, अब मान लेते हैं अगले दिन मैंने काम किया, तो इस डाटा को मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं फिर से डाटा बैकअप के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैंने डाटा सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आके जैसे ही पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं इसको फिर से रीनेम कर लेता हूँ। अब जैसे आज 12 तारीख है तो 12 तारीख को जो है मैं ये डाटा सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12/8/2023। उसके बाद एंटर प्रेस करके मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब इसका मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जो है डाटा बैकअप डे वाइज लिया हुआ है और आपका डाटा भी किसी दिन बीच में से मिस हो गया है, आपसे कोई एंट्री डिलीट हो गई है, तो आप जो है यहाँ से अपने डाटा को ओपन करके चेक कर सकते हो कि कौन सी एंट्री आपसे मिस हुई है। दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हो।